अभी आप अनंत ग्रंथ का पाठ सुन रहे थे। अब संगत की तरफ से कुछ वचन हैं, कुछ प्रश्न हैं, उनको आप सुनिए। पितृपक्ष ये चल रहा है और इसमें तरह तरह के प्रश्न सभी लोगों के मन में आते हैं, उठते हैं। एक प्रश्न आया है गरुड़ पुराण की तरफ से कि गरुड़ पुराण में मुख्य पूजा क्या है, किसकी पूजा है, और ये गरुड़ पुराण का सार क्या है। हम सभी जानते हैं आमतौर से जब हमारे घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है 13 दिन तक। कहीं होता है, कहीं नहीं होता। उसमें तरह तरह के दृष्टांत, तरह तरह की बातें, और उसमें जो एक खास बात है वो हम आपको बताते हैं। हमारा जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष का जो मूल ज्ञान है वो है ईश्वरीय ज्ञान, और उस ज्ञान का मुख्य जो ग्रंथ है वो है वेद, और वेद से ही सारे धर्म ग्रंथ निकले हैं, उसकी शाखाएं हम उनको कह सकते हैं। श्वेत दीप में नारायण विष्णु निवास करते थे और वहां गरुड़ देवता ने उनसे कुछ प्रश्न किए आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, वेद के विषय में। मृत्यु जब हो जाती है तो बाद में आत्माएं कहाँ जाएंगी, पाप आत्माएं कहाँ जाती हैं, पुण्य आत्माएं कहाँ जाती हैं, पितर किस प्रकार के होते हैं, ये सब बात है। तो गरुड़ पुराण में आप सबसे प्रथम उसकी जिल्द पर ही पढ़ेंगे, ओम श्री परमात्मने नमः। बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है ओम श्री परमात्मने नमः। शाश्वत अजर अमर परमात्मा को नमस्कार है। अब आप सोचिए, गरुड़ पुराण पढ़ने वाले कोई भी आचार्य क्या परमात्मा परम ब्रह्म के मंत्र को जपते हैं, या दूसरे लोगों को परम ब्रह्म के मंत्र की दीक्षा देते हैं? नहीं। गीता, कृष्ण महाराज ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया है उसके बिल्कुल प्रारंभ में शुरुआत, उसमें भी यही लिखा है। आज वो पुस्तकें यानी कल को हम दिखा देंगे आपको। उसमें भी शुरू में यही लिखा है ओम श्री परमात्मने नमः। गीता पढ़ने वाले लोग क्या परम ब्रह्म परमात्मा के मंत्र को जपते हैं? नहीं। ये परमात्मा की पूजा कहां है? वेद में। ओम तत् सत्, हे परम ब्रह्म तू ही सत्य है, यस्य नाम महद्यशः, तेरा नाम ही महिमा प्रदान करने वाला है। ये वेद का वचन। और गरुड़ पुराण का प्रारंभ कहां से होता है वो भी आप ध्यान से सुनिए।
अजम अजरम अनंतम, परमात्मा के लिए ये शब्द प्रयोग हैं। अजम जो जन्म मरण से रहित है, जो कभी जन्म नहीं लेता। अजरम जो वृद्धावस्था से रहित है, जड़ 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 नहीं होता, जिसमें टूट फूट नहीं होती, जो बूढ़ा नहीं होता, परमात्मा। अजम जन्म से रहित, अजरम वृद्धावस्था से रहित, अनंतम जिसका कहीं से कहीं तक अंत नहीं है, ज्ञान रूपम जो ज्ञान रूप है, महानतम जो महान से भी महान है, शिवम अमलम, शिव शिव किसी देवता को नहीं कहा है वेद में, मंगलकारी परमात्मा यजुर्वेद में नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, परमात्मा परम ब्रह्म के ये विशेषण दिए हैं, निराकार परमात्मा। कृष्ण महाराज तक, जब तक कृष्ण महाराज पृथ्वी पे रहे, वेद की शिक्षा हमारे समाज में चलती रही। तो शिवम अमलम, मल से रहित, विकारों से रहित जो परमात्मा है, मंगल करने वाला। अनादिम भूत देहादिहीनम, पंचभूतों से रहित, मट्टी पानी हवा आग इनसे अलग, देहादिहीनम जिसका ऐसा शरीर नहीं है पंच तत्व वाला जैसा हम लोगों का है, सकल करणहीनम सर्वभूत स्थितम जो सब जीवात्माओं के भीतर स्थित है, सबसे जो परे है, तम हरिम अमलम। दो शब्द आते हैं, एक शिव और एक हरि। हम सोचते हैं शिव तो वो है कैलाश पे जो बैठे हैं, सांप वाले हमारे देवता, और हरि हम सोचते हैं जो सुदर्शन चक्र वाले चार हाथ वाले हमारे देवता हैं, नारायण विष्णु। ऐसा नहीं है, जो विष्णु हैं वे कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, और उनका बचपन का नाम क्या था? उपेंद्र। और उन्होंने उस परम ब्रह्म विष्णु, विश्व का जो अणु है, जिस अणु से, जिस प्रकाश कण से समस्त विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, वह है विष्णु, निराकार परमात्मा। कश्यप ऋषि ने अपने 12वें पुत्र का नाम रखा था उपेंद्र। बाद में उन उपेंद्र ने तपस्या की, साधना की, और देखा ये विश्व ब्रह्मांड जो चारों तरफ फैला हुआ है, अनंत है, ईश्वर का क्या स्वरूप है, वो कण कण में व्यापक है, उसका नाम विष्णु, वेद में विष्णु परमात्मा को कहा है। तो उन्होंने विष्णु 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 इस नाम का जप किया उपेंद्र ने, और उनका नाम फिर पड़ गया विष्णु। ऐसे ही जो कैलाशपति हिमालय के राजा, जिनका वास्तविक नाम था विशालाक्ष, और वहां की भाषा में लोग उनको बोलते थे राजा मानोती, बड़े मान सम्मानित व्यक्ति, उन्होंने यजुर्वेद के इस मंत्र को जो हमने बताया, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, इसमें परमात्मा के जो 6 विशेषण हैं, उनमें जो नमः शिवाय है उसके पहले ओम लगा के ओम नमः शिवाय सबसे पहले किसने जपा? कैलाशपति ने। आप महाशिव पुराण में इसका प्रमाण देख सकते हैं, जो कि संस्कृत में है, चौखंबा प्रेस से, बॉम्बे प्रेस की है, संस्कृत में है, कि सबसे पहले उन्होंने
इस मंत्र को जपा और उससे उनका नाम शिव पड़ गया। शिव माने मंगलकारी परमात्मा। और फिर हम लोगों में भ्रम पैदा होते चले गए, हम लोग भ्रमित होते चले गए। तो हम ये बता रहे हैं गरुड़ पुराण के प्रारंभ में उस निराकार परम ब्रह्म परमात्मा की स्तुति है। तम हरिम अमलम अमायम सर्वंगम वंद एकम। वो जो एक है, निराकार है, निर्विकार है, उसकी मैं वंदना करता हूं। बस यहां ये बात कहकर वो खत्म। फिर आगे इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करो, देवता की करो, देवी की करो, सूरज की करो, चंद्रमा की करो, मंगल की, बुध की, बृहस्पति की, सब की। उसमें भ्रमित हो गए। एक ईश्वर की पूजा को त्याग के तमाम, और हरेक की पूजा को कह दिया इसकी पूजा से बढ़ के कोई दूसरी पूजा। फिर अगले प्रश्नों पे इस देवी की पूजा से बढ़ के कोई कुछ नहीं। तो हमारा समाज भ्रमित हो गया। ये हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम विवेचना कर रहे हैं जो हम लोगों के साथ हुआ। कृष्ण महाराज के बाद से हम लोग धार्मिक रूप से अशिक्षित हैं, क्योंकि कोई भी ग्रंथ आप अपने धर्म का पढ़ लो, ईश्वर का जिक्र सब में है, लेकिन ईश्वर की आराधना को कोई नहीं कह रहा कि तुम परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना करो, केवल इसी की आराधना करो, उसको छोड़ दिया और बाकी सबकी पूजा। तो उससे हमारा समाज भटक गया, तरह तरह के संप्रदायों में बट गया। जन्म मरण से रहित अनंत ज्ञान रूप, मलों से रहित मंगल रूप परमात्मा, आदि अंत से रहित दुख दुर्गति हरने वाले परमात्मा की मैं वंदना करता हूं। हरि का अर्थ वेद में कहा गया है दुर्गति को हरने वाला परम ब्रह्म परमात्मा, निराकार ब्रह्म, ज्योति स्वरूप, जो कि एक है, जो देह आदि से रहित है। ओम नमः, उस परम ब्रह्म को मैं नमन करता हूं, उसी की मैं उपासना और आराधना करता हूं। मुख्य आदेश और गूढ़ ज्ञान तो यह है गरुड़ पुराण में, लेकिन इस ज्ञान को हमारे भारतवर्ष में, हमारे हिंदू समाज में लोग मानते नहीं। जो आचार्य हैं इस पुराण के, वो लोगों में ये दृढ़ कराते नहीं, ना खुद इसमें दृढ़ हैं, ना खुद परमात्मा को जपते हैं, ना दूसरों को जपवाते हैं। वो आदि पुरुष सनातन ब्रह्म ही सब देवों का देव है, ये भी गरुड़ पुराण में ही है। वो ही सबका एकमात्र आराध्य, पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने के योग्य है। वो ही मनुष्यों और देवों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता है, यानी मनुष्य भी उसी की पूजा करते हैं और देवता भी। किस समय में करते थे? जब ये गरुड़ पुराण लिखा गया होगा, सतयुग में या त्रेता के प्रारंभ में, श्वेत द्वीप में विष्णु उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और विष्णु गरुड़ के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उस समय की ये बात है, उस समय का ये कथानक है। व्रत नियम और सदाचार से संतुष्ट होकर वो परमात्मा ही जगत पर अमृत बरसाता है। वो ही ध्यान और उपासना के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व है। वो ही स्वर्ग, पृथ्वी, वेद, अमृत और मोक्ष की रचना करता है। वो ही पवित्र देवों ऋषियों के मध्य चर्चा का विषय है। यानी जो पवित्र आत्मा वाले पुरुष हैं, वो उस पार ब्रह्म परमात्मा का जिक्र करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, और जिनकी बुद्धि मलिन है वे दुनिया भर की चर्चा इधर उधर की करते रहते हैं। ब्रह्मा ने परलोक में रहने वाली मानस प्रजाओं की सृष्टि करी, जिनका जिक्र यहां पृथ्वी पर नहीं है। ये भी गरुड़ पुराण में है। ये गरुड़ पुराण में से हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं। प्रथम, ब्रह्मा ने
उन दिव्य पुरुषों आत्माओं की रचना की जिनके विषय में हम पृथ्वी पर रहने वाले नहीं जानते। उसके पश्चात सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने मानस पुत्रों की, फिर ब्रह्मा ने उत्पत्ति की, उनमें धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृगु, सनत कुमार, श्रद्धा, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, वशिष्ठ और नारद हुए। साथ में ही सात पितृगण, सेवन, संख्या में सात पितृगण हुए। उनमें बहिर्षद, अग्निश्वात, क्रव्याद, आजप्य, सुकालिन, उपहूत एवं दीप्य हुए। इनके नाम भी हम लोगों ने नहीं सुने। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की अनेक कन्याएं हुई। उनकी सती नाम की पुत्री से रुद्र का विवाह हुआ। उनसे रुद्र के असंख्य पराक्रमी पुत्र हुए। उन असंख्य में से हम एकाद का भी नाम नहीं जानते। ये प्राचीन गरुड़ पुराण की बात है, प्राचीन इतिहास जो अब तक हमारे समक्ष दूसरे रूप में है, जिसको हम समझ नहीं पाते। फिर गरुड़ पुराण में बृहस्पति नीति, देवगुरु बृहस्पति क्या कहते हैं? सदभिह संग प्र कुरवीत सिद्धि कामः सदा नरः, ना सदभिरिह लोकाय परलोकाय वा हितम्। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि चाहता है, उसको सदा सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। दुष्ट और दुर्जनों के साथ रहने से इस लोक अथवा परलोक में हित संभव नहीं। दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति से वार्तालाप और दुष्ट व्यक्ति का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। और हम लोग रात दिन दुष्टों से गिरे रहते हैं और खुद भी दुष्ट बन जाते हैं। आगे वो कहते हैं, शत्रु से सेवित व्यक्ति से प्रेम ना करें। जिसका पालन पोषण हमारे शत्रु कर रहे हैं और वो हमारा मित्र बन के हमारी त्रुटियां, हमारी कमियां, हमारी कमजोरियों को आके इकट्ठा करने लगे, ऐसे लोगों से सावधान रहें। शत्रु से सेवित व्यक्ति से प्रेम ना करें और मित्र के साथ कभी विरोध ना करें, छल ना करें। मूर्ख शिष्यों को उपदेश देने से और दुष्टा स्त्री का भरण पोषण करने से, दुष्टों के कार्यों में सहयोग करने से विद्वान और सज्जन पुरुषों को भी अंत में दुख उठाना पड़ता है। मूर्ख ब्राह्मण का, युद्ध से भागे हुए क्षत्रिय का और विवेक रहित बुद्धिहीन मनुष्य का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इनसे कभी किसी का कल्याण नहीं होता। ये कुछ बातें हैं जो गरुड़ पुराण में से हमने आपको बताई। दानी जी की तरफ से कुछ प्रश्न हैं, विचार हैं। गुरुदेव जी, पितृपक्ष में जो लोग अपने परिवार की दिवंगत आत्माओं के लिए श्राद्ध करते हैं, क्या वे उनके प्रति प्रार्थना और श्रद्धांजलि उन तक पहुंचती है या मन की भ्रांति है? यह श्राद्ध कब से प्रारंभ हुए हैं? अन्य कई जातियों में श्राद्ध की प्रक्रिया है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या उनके पितर भटकते रहते हैं? ये प्रश्न है। जब से मनुष्य की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई है और परिवार हुए हैं, संतानें हुई हैं, और मान लीजिए हमारे घर में कोई बुजुर्ग मर जाते हैं तो उनका अभाव हमें खटकता रहता है। कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी संप्रदाय हो, वे सभी लोग अपने बुजुर्गों को किसी ना किसी रूप में याद करते हैं। अलग अलग परंपराएं हो गई हैं,
अलग अलग तरीके हो गए हैं। कुछ लोग हैं जो कब्रिस्तानों में, कब्रों पे, मजारों पे जाके अपने पूर्वजों के लिए उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनके नाम पर दान सदका जिसको वो बोलते हैं सदका वो निकालते हैं। ईसाइयों में भी ऐसा है, मुस्लिमों में भी ऐसा है, और जो उनसे पहले हुए हैं यहूदी वगैरह और पारसी, सब के लिए, सब अपने अपने पूर्वजों को किसी ना किसी रूप में याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। अपने पूर्वजों के लिए हम अपनी श्रद्धा को, अपने प्रेम को किस तरह से प्रदर्शित करें, बस यही इसका एक विषय है। तो ये 16 दिन आते हैं वर्ष में एक बार, और ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों पितरलोक का मुख जो है वो पृथ्वी की तरफ आ जाता है। कन्या राशि में सूर्य होता है और पितरलोक से वो आत्माएं पृथ्वी की तरफ आते हैं। और जब हमारे महर्षि गण इस बात को कह रहे हैं आते हैं तो आते हैं, हम लोगों को नहीं देखते तो ये हमारी आंखों की कमी है, और बहुत सो को देखते भी हैं, तो उन के लिए हम क्या करें, उनके प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करें। 15 दिनों तक मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, संध्या काल में उनका स्वागत करें, सत्कार करें, और हम तो कहेंगे कि पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक 16 दिनों तक प्रतिदिन हम अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा नत रहें, श्रद्धा से झुके रहें, उनको प्रणाम करें, परमेश्वर परम ब्रह्म से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे पूर्वजों में कोई परलोक में अगर दुखी हों, अशांत हों, तो हे प्रभु तो उनको शांति प्रदान कर, उनसे कुछ अपराध हुए हों तो उनको तू क्षमा कर, क्योंकि तू क्षमाशील है। और अपने पितर गणों से हम प्रार्थना करें, हम जैसे भी हैं आपकी ही संतान हैं, आप हमें आशीष दें, सद्बुद्धि प्रदान करें, हम सत्कर्मों को करें, पुण्य कर्मों को करें, ऐसी बुद्धि हमें प्रदान करें। तो श्राद्ध करते हैं तो वो प्रार्थना अवश्य पहुंचती है उन तक, और जो हम उनके लिए करते हैं तो हमारी आत्मा देख रही है हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारी आत्मा संतुष्ट होती है तो उनकी भी आत्मा अवश्य संतुष्ट होती है। अपने पूर्वजों के प्रति हमें श्रद्धा रखनी ही चाहिए, हमें नास्तिक नहीं बनना चाहिए। ब्रह्म भोज है, दान है, शुभ कर्म है, यज्ञ है, जप है, व्रत है, पुण्य दान, दान नहीं पुण्य अर्पण, माता पिता को कोई दान थोड़ी देता है या गुरु को कोई दान थोड़ी देता है, श्रद्धा से उनके नाम से कुछ ना कुछ अर्पण करें, वो हमें करना चाहिए। श्राद्ध कैसे करें, उनकी विधिवत तर्पण की क्या प्रक्रिया है, और जिनकी तिथि ही याद नहीं उन आत्माओं के लिए कौन सी तिथि में श्राद्ध करें। देखिए जो ब्राह्मण परंपरा है हमारी प्राचीन सनातन, वह तो बड़ी जटिल है, उलझी हुई है, और उसको सहज तरीके से हम बनाएं, हम तो यही समझते हैं। हम लोग गया जी भी कई बार गए हैं, आप लोगों को साथ भी ले गए हैं, और वहाँ हमने क्या किया आपको पता है,
जो मुख्य स्थल है वहां पर हम सब ने प्रार्थना की और जो हमें दान करना है वो गुरु चरणों में एक जगह इकट्ठा करा लिया और फिर जहां जिसको जो उचित है वो दिलवाते रहे। ऐसे ही हमें यहां करना चाहिए। ज्यादा कर्म कांडों में फंसना ठीक नहीं, सहज मन से पवित्र हृदय से अपने पूर्वजों को याद करें और उनके नाम से वस्त्र है, अन्न है, धन है, ये हम गरीबों को, दूसरों को, जरूरतमंदों को, और अगर कोई हमें ना मिले ऐसे तो अपने भाई बहनों को ही उपहार, वो दान नहीं होता, वो होता है उपहार, और उपहार भी नहीं तो वो होता है सम्मान, हम उन्हीं का सम्मान करें जो हमारे घरों में हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और चाहे छोटे भी हैं उनका भी सम्मान करें। तो उससे एक संतुष्टि की भावना हमारे हृदय में और उनके हृदय में आती, उससे हमारे पितरगण संतुष्ट होंगे। और जिनकी तिथि याद नहीं है कौन सी तिथि में हमारे पूर्वज खत्म हुए, तो उनके लिए पितृ अमावस्या, अमावस्या की जो अंतिम तिथि आती है उसमें सभी के लिए प्रार्थना की जाती है। और इन 16 दिनों में भी कुछ विशेष तिथियां रखी गई हैं, जैसे पंचमी, पंचमी का श्राद्ध आता है, पंचमी तिथि आती है पितृपक्ष में, तो लोग, जो लोग कुंवारे मर जाते हैं, जिनका विवाह नहीं होता और वो मर गए, तो उनके लिए दान पुण्य वगैरह किया जाता है पंचमी तिथि में। माताएं, कोई भी स्त्री, कोई भी महिला, कहीं भी किसी भी हालत में, या मर गई है हमारे परिवार में और हमें उसकी तिथि भी याद नहीं है, तो सभी महिलाओं के सम्मान में नौमी तिथि आती है। नौमी, नौमी तिथि, नवी, तो उसमें हम माताओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें, दान पुण्य उपहार सम्मान जो भी कर सकते हैं वो करें। फिर आती है एकादशी, आज है एकादशी। एकादशी में अपने पूर्वजों के लिए कहा गया है कि हम अपने पुण्यों को उन्हें अर्पित करें। अगर हमने कोई पुण्य किया है तो हमें तो याद नहीं हमने कुछ पुण्य कर रखे हैं या नहीं। पहली बात तो यह कि हम, हमारा जीवन पुण्य से खाली, तो आज से पुण्य कर्म कमाना शुरू कर दें, अगले साल तक हम जीवित रह गए तो 2-4 पुण्य उनको अर्पित कर देंगे। पुण्य हमारे जीवन में होने चाहिए। पुण्य क्या है ये भी आप सुने। प्रातः काल में जब हम उठते हैं, सूर्य उदय से पहले स्नान, ध्यान, परमात्मा का जप, ये पुण्य है। उसके पश्चात सूर्योदय जब हुआ है, यज्ञ आदि है, अग्निहोत्र है, ये है। हमारे घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके हम चरण स्पर्श करें, नमस्कार करें, उनसे हमें आशीष मिलता है, वो पुण्य है। फिर गुरु वचनों को हम पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें और उस ज्ञान का अनुसरण करें। केवल ये नहीं कि हमने ये अध्याय पढ़ लिया और हमें इसका पुण्य मिलेगा, नहीं, जो वचन उसमें कहे गए हैं उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने की हम कोशिश करें और प्रतिदिन दान निकालें। दान, जो विद्यार्थी हैं वो कहेंगे हम कैसे निकालें भाई, जब तुम स्कूल जाते हो ये बताओ तुम्हारी जेब में एक आध रुपया तुम्हारी माता डालती है नहीं डालती, तुम्हारे फादर तुमको जेब खर्च देते हैं नहीं देते, हैं कितने देते होंगे, 5 रुपए भी दिए तो एक रुपया उनमें से घटा लो, वो परमेश्वर के नाम का निकाल के रोज रख दो 1 रुपया। ये नित्य दान होना चाहिए।
आप कहेंगे अजी महाराज जी, गुरु महाराज, इतनी तो आमदनी बिना तुम तो रोज का दान बता रहे। जब आप घर से बाहर निकलते हो, कहीं जाते हो रोज, तो पहले जेब में देखते हो कुछ पैसे हैं या नहीं। ये मैं कंजूसी किसी को नहीं सिखाता, कंजूस नहीं होना चाहिए आदमी को। कंजूस मक्खी चूस, ना तो उसे जीवन में सुख मिले और ना परलोक में मिले। परमात्मा ने हमें इतना दिया है कि वो हमारे झोली में समाया नहीं, वो बिखर बिखर जाता है। अन्न की कमी कुछ नहीं, धन की कमी कुछ नहीं, वस्त्र की कमी कुछ नहीं, केवल कमी है तो हमारी बुद्धि की कमी है। इस बुद्धि को विशाल बनाएं, इस बुद्धि को धर्म बुद्धि बनाएं, प्रतिदिन दान निकालें। अच्छा, जो घरों में बुजुर्ग हैं वो कहेंगे गुरु महाराज हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमसे तो हमारे बच्चों ने सब कुछ ले लिया, हम तो खाली बैठे हैं, बस रोटी कपड़ा मिल जावे। आपको रोटी कपड़ा मिलता तो है? जब आपको कोई नया वस्त्र मिले उसको आप एक तरफ रख दो भाई, इसे पहनेंगे नहीं, किसी को दान कर देंगे। हो गई बात? रोज आपको भोजन मिलता है, ठहरिए, खाने से पहले सावधान, उसमें से कुछ निकालो, अंश निकालो, पंछियों को डालो, एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दो, कौवे को डाल दो। ये वृद्धों के लिए, उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं अजी महाराज हमारे पास तो कुछ है ना, और कुछ हमारी माताएं ऐसी हैं बूढ़ी, उन्हें देखो तो नोट के नोट निकल के आएंगे, दाबे रहे में दाब के रखे। जब नोटबंदी हुई थी ना, पता है, जिनसे उम्मीद नहीं थी, अजी देखो मेरे पास ये 10,000 रखे थे, इन्हें भी कर लो कुछ, अब कहां से आ रहे हैं। तू तो नू कह रही थी मेरे पास कहां धरा है। ये कोई गलत बात नहीं है कि माताएं हमारी रखते हैं। आदमी जो पुरुष वर्ग होते हैं ना, इतने लापरवाह होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता घर में 4 आदमी आ गए, तेरे घर में चीनी है या नहीं है, चाय की पत्ती है या नहीं है। बस आतंकवादियों की तरह घर में घुस गए, ए निर्मला चाय बनाओ। अब अगर वो ना रखे तो बेइज्जती होगी नहीं आदमी की, है? उसे पता भी नहीं घर में चीनी है या नहीं, एकदम से बेचारे छोटू को भेजेगी, देखे जाइए जाइए चीनी ले आ, चीनी खत्म हो गई भैया, दूध भी नहीं है, देखे थोड़ा सा दूध भी ले। तो माताएं किस तरह से घर गृहस्थी को चलाती हैं, पुरुष नहीं जान पाते इस चीज को। बस जब बेचारों के 2-4 नोट पकड़े गए तो कहेंगे अच्छा तू कोर्चा कर रहे है। अरे कोर्चा किसके लिए कर रहे ये तो बताओ, है? तुम्हारे लिए कर रही है, तुम्हारी इज्जत को बचाए बैठी। तो ऐसी बात है, तो हमारी माताएं कोर्चा करें, कोर्चे से बिल्कुल बाज ना आए, है? हम तो बिल्कुल कह रहे हैं आप रखना चाहिए आपको संकट काल के लिए, आपत्ति काल के लिए। और जिनके पति ऐसे लापरवाह हैं, उन्हें यही पता नहीं तुम्हारे घर में हो क्या रहा है, उनकी देखभाल के लिए। अचानक बीमार पड़ गए, दौरा पड़ गया, आंख फैला गए, हैं? क्या करें, एकदम से हाथ पैर फूल जाते, डॉक्टर के ले जाने, ये भी पता नहीं पैसे रख कहाँ रखे हैं उन्होंने, अब ऐन वक्त पे किससे मांगेंगे, तो करना पड़ता। तो उस कोर्चे में से थोड़ा थोड़ा दान भी आप निकालें। और बहुत सी हमारी बहनें कहती हैं गुरु महाराज अगर हम पति देवता को बता दें हम ये दान निकाल रहे हैं, तो बस वे तो बिगड़ जाते हैं। सारी चीजें बतानी नहीं चाहिए, ना हम आपको चोरी सिखा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक सामान्य ज्ञान हमें होना चाहिए, सामान्य ज्ञान, घर में लड़ाई झगड़ा भी ना हो। और हम ये नहीं कह रहे कि ये दान ला के सब हमको दे देना, नहीं, आप इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, शुभ जगह, उचित जगह, जरूरतमंदों को आप ये दे दो, अवश्य करना चाहिए। दीन दुखी बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं,
कुछ ढोंग रचने वाले आते हैं उनसे तो आप सावधान रहें, जो आपको डरा देते हैं, हाथ देखते हैं तरह तरह के, ओ तुम्हारे घर में तो भूत हैं, तुम्हारे घर में तो ये है, ऐसे मक्कार लोगों से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। तो श्राद्ध कैसे करें, उनकी विधिवत तर्पण कैसे करें? तर्पण जब हम रोज स्नान करते हैं, अगर आप रोज स्नान नहीं करते तो करना शुरू कर दो, वैसे तो रोज ही करते हैं सब, कोई जल्दी कर लेते हैं कोई देर से करते हैं, जिस समय स्नान करते हैं उस समय तीन अंजलि जल हमें देना चाहिए। ओम सर्व पित्राय नमः, सर्व देवाय नमः, पार ब्रह्म परमेश्वराय नमः, ये हमारा कर्तव्य बनता है। पितरगणों को प्रणाम है, देवगणों को प्रणाम है, परम ब्रह्म को प्रणाम। प्रतिदिन रोज, ये नहीं कि ये पितर पक्ष में नहीं, प्रतिदिन प्रतिदिन पंछियों को रोज कुछ ना कुछ टुकड़े डालें, दाना डालें, उनके लिए पानी रखें, प्रतिदिन रोज रखें। और जिनको तिथि याद नहीं रही है वे अमावस्या में उनका श्राद्ध करें। तो आज एकादशी हम बता रहे थे, एकादशी में पुण्य दान किए जाते हैं पितरगणों को। द्वादशी में सन्यासी, सन्यासियों को श्राद्ध की आवश्यकता नहीं होती, किंतु ऐसे भी होते हैं बेचारे लावारिस कहीं मर गए, सन्यासियों का जीवन बड़ा कष्टकारी होता है। और मान लीजिए हमारे घर में कोई साधु हो गया फिर लौट के नहीं आया, मन में ख्याल आता है, तो द्वादशी में उनके नाम से कुछ हमें पुण्य कर्म करने चाहिए, दान आदि करें द्वादशी तिथि में। और फिर अमावस्या आती है, चतुर्दशी में भी ऐसा ही होता है, चतुर्दशी में जो गिरे पड़े घायल इन लोगों का श्राद्ध होता है। और अष्टमी में जिन्होंने आत्महत्या कर ली उनके लिए प्रार्थना और श्राद्ध कर्म किया जाता है अष्टमी में। तो ये बड़ा भारी विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं है, विज्ञान है, हमारे यहां भारत में वेद सम्मत है। अमावस्या तिथि में सबके लिए हम प्रार्थना करें, केवल वही नहीं जो हमारे गोत्र में पैदा हुए या जिनके हम संतान हैं, पूरे विश्व के लिए, हमसे पहले जितनी भी आत्माएं इस संसार में आई हैं, परमेश्वर उन सबको शांति प्रदान करे। जिन्होंने संसार से परम गति पाई है और परिवार में उनका वारिसान ही नहीं है और लावारिस हैं, उनके प्रति श्राद्ध की श्रद्धांजलि दे सकते हैं और ईश्वर की दिव्य ज्योति जब सब जीवों में है। तो पहले तो इतना ही मैं बताऊं, सन्यासी और राजा, इन दो का कर्तव्य होता है कि संसार में सभी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। जो लावारिस हैं, जिनके घर में कोई नहीं, जिनका कोई करने वाला नहीं, तो उनके लिए राजा को करना पड़ता है, या जो साधु सन्यासी हैं वे उन सभी आत्माओं की शांति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद जो पशु पक्षी मर जाते हैं उनका श्राद्ध कौन करता है? देखिए पूरे श्राद्ध में जो हम भोजन कराते हैं वो पशु पक्षियों को ही कराते हैं, मनुष्यों को भी कराते हैं और पशु पक्षियों को भी कराते हैं, तो उनके माध्यम से उनके पूर्वजों की आत्माएं शांति पाती, सारा संसार ही उनके लिए करता है एक तरह से। पशु पक्षी भोग योनियां हैं, तो हमारे यहां तो पिता में ब्रह्मा कह रहे हैं, ब्रह्मा वेद में सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मां कश्चित दुख भाग भवेत। सबके लिए प्रार्थना हो रही, सबके प्रति श्रद्धा हो रही, यानी सभी जीवों का श्राद्ध किया जा रहा है। श्राद्ध माने श्रद्धा। परमेश्वर सबको सुखी रखे, शांति प्रदान करे, ये प्रार्थना हो रही है। चेतन जीवों का श्राद्ध तो सनातन परंपरा के अंतर्गत माना जाता है। पशु पक्षियों के निमित्त कैसे करें? बस वही, पशु पक्षियों को भोजन दिया जा रहा है श्राद्ध में, तो ये उनके पूर्व पशु पक्षियों के लिए मान लो हम अपनी तरफ से एक करुणा में, श्रद्धा में कुछ वस्तुएं उनको अर्पित कर रहे हैं जो वो ग्रहण करते हैं। जब संसार से जीव विदा हो जाता है, बाद में परिवार के संबंधी उसकी अंत्येष्टि क्रिया कराते हैं, क्या वो उस तक पहुंचता है? श्रद्धा तो पहुंचती है। श्रद्धा, श्रद्धावान हमें होना चाहिए। और जो परंपराएं हैं हमारी, इसी से पता चलता है कि हम अपने पूर्वजों की परंपरा को संभाले हुए हैं और ये परंपराएं अच्छी हैं। जो खराब हैं उनको छोड़ देना चाहिए, जो अच्छी परंपराएं हैं उनको हमें चलाते रहना चाहिए। आज इस वर्तमान समय में बहुत से स्थान ऐसे पाए जाते हैं जहां पर सामाजिक कार्यों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। कुछ लोग अपने ही कृषि भूमि पर अंतिम संस्कार अपने परिवार के किसी व्यक्ति का कर देते हैं, जबकि शास्त्रोक्त विधि के अनुसार किसी भी नदी के किनारे अग्नि संस्कार को श्रेष्ठ माना गया। ज़्यादातर तो नदी के किनारे ही करते हैं। कोई बहुत ऐसा आपत्ति काल है, किसी ने जहर खा लिया है या केस कोई लगने वाला हो तो जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करने के लिए कहीं कहीं, बहुत कम। हालांकि ज़्यादातर को गंगा किनारे या किसी नदी के किनारे ही हिंदू समाज में अंतिम क्रिया की जाती है। और अग्नि संस्कार को ही श्रेष्ठ माना गया है। बिल्कुल, जमीन में दबा दो सड़ने लगता है, पानी में मरे हुए शरीर को बहा दो तो उसमें भी पानी गंदा हो जाता है। आग में रखा और अग्नि लगाई और स्वाहा, वो सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा अग्नि संस्कार माना जाता है। देवपुत्री नीलम है लखनऊ से, किस राशि में जन्म पर उसका स्वभाव कैसा होगा, विष किरणें पड़ने पर उसका स्वभाव कैसा होगा, ये विष किरणें किसी खास राशि में उत्पन्न मनुष्यों पर कब पड़ती हैं? ये तो बहुत लंबा प्रश्न है। 12 राशियां होती हैं, उनमें आने वाले जीव जो जगत में आते हैं, 12 प्रकार की आत्माओं को 12 जगह विभक्त कर दिया जाता है। तुम्हारा समय तब आएगा जब सूर्य इस राशि पे होगा, तुम्हारा तब आएगा जब इस राशि में होगा। रही कि कौन सी राशि में विष किरणें आती हैं, हर एक में आते हैं। जैसे हम मनुष्यों के अंदर गुण और अवगुण हरेक मनुष्य में विद्यमान होते हैं, हरेक में। किसी में गुण अधिक होते हैं, किसी में अवगुण अधिक होते हैं, होते हैं दोनों। तो ऐसे ही विष और अमृत हमारी आत्मा के साथ साथ चलता है। हमारे पुण्य कर्म हमारे अमृत किरणों को बढ़ाते हैं और हमारे पाप कर्म हमारे विष किरणों को बढ़ाते हैं। अब जैसे लीजिए मेष, पहली राशि है मेष, इसमें पैदा हुए लोगों का स्वभाव बच्चों जैसा होता है, बच्चों जैसा। बूढ़े भी हो जाएंगे तो उनका
स्वभाव बालकों जैसा रहेगा, भोले भाले सीधे साधे। और उनकी देखभाल अगर कोई ना करे तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जैसे एक बच्चे को संभालना पड़ता है, ऐसे ही मेष राशि के व्यक्ति को संभालना पड़ता है। और जो बातें बच्चों में होती हैं, चिड़चिड़ापन, जरा सी बात पे नाराज हो जाएंगे, उनसे लड्डू ले लो तो वो कहेंगे हैं, जरा सी बात में खुश, जरा सी बात में नाराज। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में तो रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और थोड़ी देर में खुश हो जाएंगे। और पिछली बातों को ज्यादा याद नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके दिमाग में पकता रहता है, इसने 3 साल पहले मुझे ये कहा था, इसको देखना जरूर है, बदला लेने की भावना होती है। ऐसा इन लोगों में नहीं होता, बिल्कुल सरल हृदय। और परमात्मा इनसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि जो भोले भाले हैं, सीधे साधे, वे जगत में नुकसान बहुत उठाते हैं, लोग उन्हें ठगते बहुत हैं। किसी बालक को उसने कोई महंगी अंगूठी हाथ में ले रखी है, रतन है, और उसको एक लड्डू दे दो, ले सोनू तो ये लड्डू ले ले, अंगूठी मुझे दे दे। हाँ हाँ लाओ, और वो अंगूठी दे दे। ऐसे ठगने वाले लोग बहुत इनको होते हैं। तो विष किरणें कब आती हैं? जब हम बुरे कर्म करते हैं, बुरा चिंतन करते हैं, बुरी वाणी बोलते हैं, उससे विष किरणें हमें प्रभावित करती हैं। विष किरणें आने से हमारे जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ती चली जाती है, और अमृत किरणें आने से, अमृत किरणें क्या है, धर्म आचरण करने से, यम नियम का पालन करने से, परमेश्वर परम ब्रह्म को जपने से हमारे भीतर अमृत किरणों की उत्पत्ति होती रहती। तो आप समझिए, पहली राशि बिल्कुल बच्चों जैसा स्वभाव। दूसरी राशि आती है वृषभ, बैल। अगर विष किरणें अधिक हो गई तो बिल्कुल बछिया के बाबा बैल पैदा होंगे, अकल से खाली, खाक पी के मस्त रहेंगे, अपना पहलवान बन जाएंगे, बैल की तरह गांव में कहते हैं, देखो कैसा बिसरख का बिजार घूम रहा है, इसे कुछ सूद ना है, बस खाने पीने को चाहिए। लेकिन अगर ये लोग परमात्मा के तप में लग जाएं, तो फिर ये शिव का बैल बन जाते हैं। शिव यानी परमात्मा इनको अपनी सेवा में ग्रहण कर लेता, ऐसे भी होते हैं। विष किरणें आने से इनका स्वभाव जिद्दी और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला हो जाता है, और अमृत किरणें ज्यादा हो जाएं तो ये भगवान शिव के नंदी स्वभाव जैसे परमात्मा में बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन कहते हैं टहनी, ऐसी टहनी जिसमें दो टहनी निकल रही। ये लोग हमेशा दो काम एक साथ करते हैं, एक साथ दो काम करेंगे, हो सकता है दो पत्नी हो, एक का आपको पता ना हो। मिथुन राशि के ज्यादातर ऐसे होते हैं, स्वभाव बता रहे हैं हम, कोई नाराज मत हो जाना हमसे, जब पूछा है उस बहन ने प्रश्न तो हम बता रहे हैं। ये काम शुरू कर दिया तो दूसरा कुछ और करते रहेंगे साथ में, उनकी बुद्धि हमेशा दो तरफ आधी आधी रहती, आधी इधर आधी इधर, और वाणी अगर अमृत
किरणें इनकी अधिक हो जाएं, तो ये वाणी के धनी हो जाते हैं। वेद पर प्रवचन और वाणी के द्वारा बहुत लाभ इनको प्राप्त होता है। सकारात्मकता इनमें आ जाए, बहुत ज्यादा, बहुत ऊपर उठते हैं। और विष किरणें आ जाए तो ऐसी बुरी बुरी बात सुनाएंगे, वाणी का दुरुपयोग करेंगे, कटु वचन बोलेंगे, संबंध टूट जाएंगे, कहीं ठिकाना नहीं। तो ये अमृत और विष हमारे सबके जीवन में होता है। चौथी राशि आती है कर्क। ये चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, अमृत किरणें अधिक हैं तो ये कवि बन जाते हैं, बहुत भावुक होते हैं, देखने में सुंदर भी होते हैं। और विष किरणें अधिक हो जाएं तो कृश काय, कमजोर, पेट के बीमार, और ज्यादा सोचने वाले, उल्टा सीधा सोचने वाले, विष किरणों के कारण ऐसा हो जाता है। पंचम सिंह राशि, नाम से ही आप देखिए, सिंह, सिंह जैसे साहसी, जहरीले नागों को भी अपने वश में करने वाले, बुरे से बुरे आदमी को भी लाइन पे ला देंगे। अमृत किरणें अगर अधिक हो गई तो, और विष किरणें अधिक हो गई तो खुद बुरों के साथ बुरे बन जाएंगे, ऐसा भी होता है। अमृत और विष ये हमें प्रभावित करता है, और ये हमेशा जहां भी रहेंगे उस समुदाय को लीड करेंगे, अध्यक्ष बन के रहेंगे, किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, दूसरों को अपने अनुसार कार्य करने के लिए विवश कर देते हैं। जो सिंह राशि अगर अमृत किरणें हैं तो। छठी राशि आती कन्या राशि, उनमें चाहे वो पुरुष हो, उनमें कन्याओं जैसे हाव भाव कोमलता दिखाई देगी। कई हमने देखे हैं साधु सन्यासी हो गए, बिंदी लगाएंगे, नथ पहनेंगे, सन्यासी, नाम रख लिए लड़कियों जैसे, पूजा माता हमारे यहाँ है वहां पैसे पूजा, देखो पूजा है भी वही कन्या राशि, तो उनके हाव भाव स्त्रियों जैसे हो जाते हैं। और अमृत किरणें इनमें आ जाएं तो ये प्रेमा भक्ति में बहुत आगे निकल जाते हैं, प्रेमा भक्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, अड़ गए तो अड़ गए बस, फिर उस परम तत्व से इनको कोई हटा नहीं सकता। और चिड़चिड़े हो गए, विष किरणें आ गई तो बदला लेने वाले, अपना नाश चाहे आज हो जाओ लेकिन दूसरे को छोड़ने के नहीं, जैसे सांप किसी के पीछे पड़ जाए बिना काटे छोड़ने का नहीं, ऐसे ऐसा स्वभाव हो जाता है अगर विष किरणें बढ़ जाएं कन्या राशि पे। अब सातवीं राशि आती है तुला राशि, तराजू। तराजू के पलड़े आप देखेंगे कभी बराबर होते होंगे, नहीं तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। प्रभु राम तुला राशि में थे, बिचारों के जीवन में उठा पटक उठा पटक उठा पटक उठा पटक, कितने अच्छा व्यक्तित्व था उनका, पर एक दिन भी हाथ पे रोटी रख के नहीं खाई शांति के साथ। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी रावण आ गया कभी और कोई आ गया, कभी मंथरा आ गई कभी केकई आ गई, कितना ही भला दूसरों का करें लेकिन वे अपने जीवन में तराजू की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहे। अमृत किरणें आ जाएं तो वो प्रभु राम जैसी महानता को प्राप्त हो जाते हैं, और कैसी ही बुरी परिस्थिति में अपने को संतुलित कर लेते हैं।
लेकिन विष किरणों के प्रभाव से वे बिल्कुल तितर बितर हो जाते हैं, भटक जाते हैं और ज्यादातर पत्नी के प्रभाव में रहते हैं। पत्नी ने अगर कह दिया कहां जा रहे हो, तो रोज फूल संदे में ही पड़े रहो, ना जा रहा ना जा रहा, ये तुला राशि। तुला के बाद सातवीं राशि है तुला, फिर आती है आठवीं वृश्चिक, बिच्छू, बिच्छू का डंक कभी खाली जाता है। बिच्छू जैसा विष इन राशियों में, इन व्यक्तियों में होता है, किंतु यदि इनमें अमृत भाव आ जाए, अमृत किरणें अधिक इनकी हो जाएं, तो ये एक निष्ठ और पूरे वफादार सिद्ध होते हैं। और विष किरणें आ जाएं, अभी इस औरत के पीछे, अभी इसके पीछे, अभी इसके पीछे, अभी इसके पीछे, कितनी गिनती है आप गिन नहीं सकते, ऐसा स्वभाव हो जाता है। मैं केवल स्वभाव बता रहा हूं, इन राशियों पे ऐसा स्वभाव आता है। तो अब धन राशि के बारे में आप सुनिए। धनु राशि ऐसी राशि है, धन से संबंध, बौद्धिक धन से संबंध, यानी बुद्धिमान लोग, अमृत किरणें अगर अधिक होती हैं तो ये लोग बुद्धिमान, बहुत सुंदर, ज्ञानवंत और धनवान, धनवान होते हैं। और जीवन में ऐसे जैसे कुछ कोई व्यक्ति ढूंढ रहा हो, कुछ ढूंढते हुए, या ये समझिए जैसे किसी शिकारी ने तीर कमान लिया हुआ है और वो वन में घूम रहा है और उसका ध्यान कहीं और है, शिकार की तरफ भी नहीं है, ध्यान कहीं और है, कुछ ढूंढ रहा है। और अगर विष किरणें आ जाएं इनमें, विष किरणें आ जाएं, वो तीर कमान फिर अपनों पे सीधा हो जाता है, ना खाएंगे ना खान देंगे, ना सोएंगे ना सोन देंगे, बहस करने बैठ गए तो बस दिन निकाल देंगे। विष किरणें हमें बुरा व्यक्ति बनाती हैं और फिर धन का दुरुपयोग भी करेंगे, धन तो आ गया लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, गरीबों की सेवा नहीं करेंगे। बुद्धि तो आ गई, ज्ञान तो आ गया, ऊंचा पद तो मिल गया, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करेंगे अगर विष किरणें अधिक हो गई। तो खास बात यही है कि हम अपने जीवन में, अपनी आत्मा में अमृत किरणों को बढ़ाएं, पुण्य कर्म करें, शुभ शुभ सोचें, शुभ शुभ बोलें, शुभ शुभ कर्म करें, जिससे पारब्रह्म परमात्मा हमें अपनी अमृत सत्ता में स्वीकार करे। इसके बाद में आता है मकर। मकर मिलाना आपने सुना होगा, बड़ी मकर मिला रहा है मकर मिला के कहेंगे आज तेरे इस हाथ में दर्द है, कल तो पैर में था, है अन्न नहीं, कल ही तो था पैर में, आज तो हाथ में है। कहां झूठ बोल दें, कहां क्या कर दें, कुछ पता नहीं, भरोसा नहीं। मकर मिलाने में होशियार, विष किरणें अगर आ गई तो, और अमृत किरणें आ गई तो ये पवित्रता में स्थित हो जाते हैं। मकर, मकर संक्रांति आप देखते हैं, मकर में जब सूर्य आता है तो बहुत शांति और पवित्रता की स्थिति होती है। मकर के बाद में दो राशियां और रह गई, कुंभ और मीन। कुंभ अमृत का भी कुंभ है और विष का भी कुंभ है। शनि से प्रभावित होते हैं मकर और कुंभ वाले।
कुंभ राशि वाले अगर सन्यासी बन जाएं तो ये महान तप करते हैं, कठोर निर्जल निष्कंप ऐसे तपसी होते हैं, और विष किरणों से भर जाएं तो पेट में जहर भर रहा है और मुंह से अच्छे अच्छे वचन बोल रहे हैं, ये हालत है। अंतिम राशि है मीन। मीन राशि की तुलना ऐसे की है हमारे ऋषियों ने, ये वैदिक प्रवाह है जो हम आपको बता रहे हैं, वेद सम्मत है। राशियां ज्योतिष वैदिक आधार पे है। जो रोजगारी हैं, जो लोगों को ठग रहे हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे। मीन राशि ऐसे होती है जैसे कोई बूढ़ा वृद्ध सन्यासी, बड़ा ज्ञानवान तीर्थ रूप, जिसके संग से कितने ही तर जाएं। अगर अमृत किरणें इनमें अधिक आ गई तो, और विष किरणें आ गई तो, जैसे कोई बूढ़ा और चिड़चिड़ा रहा हो, है लाठी लिए बैठा है, बच्चों को गाली बक रहा है, कौवों को गाली दे रहा है, ऐसी स्थिति हो जाती है अगर विष किरणें अधिक हो जाए तो। इतनी 12 राशियों का जो सारांश है वो ये है कि हमारे जीवन में अमृत और विष को उत्पन्न कौन करता है? हम स्वम। स्वम हम चाहें तो हम अपने जीवन को, अपनी आत्मा को अमृत से बड़ा कटोरा बना सकते हैं, और अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो संसार में तो चारों तरफ विष की किरणें बह रही हैं, वे आके हमारे कटोरे में भर जाते हैं। बार बार उसको धोना पड़ेगा, बार बार अमृत बढ़ना पड़ेगा। विष किरणों से बचना और अमृत किरणों को भरना, इसको ही हमारे महर्षियों ने साधना कहा है। साधना, अपने कटोरे को पवित्र रखें, आत्मा का कटोरा है ये कपड़ा, आत्मा का कितना मैला कर लिया मैंने, है मैंने आदमी कहे, कोई कहे ये कपड़ा आत्मा का कितना मैला कर लिया तूने, ये बात गलत है। दूसरों को उपदेश देते रहो, अपने आप गोबर के ढेर पे बैठे हैं? नहीं, अपनी तरफ हम देखें, स्वम को निर्मल करें। आप दीपो भव, अपनी आत्मा में हम दीपक जलाएं, और जब वो प्रकाश होगा तो निश्चित ही वो उसकी किरणें दूसरों तक जाएंगी और वे शांतिमान होंगे और अमृत किरणों से अमृतमान होंगे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।